टू माई चैनल द वर्गो कंपस। अगर आप ये एंथमन ट्रिप प्लान कर रहे हैं सो दिस वीडियो इज फॉर यू बिकॉज आई एम गोना एक्सप्लेन एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस ट्रिप स्टार्टिंग फ्रॉम फ्लाइट स्टेज कैफेज आइटनरी प्लेसेस टू विजिट एंड द बजट। सो विदाउट एनी फर्दर डू इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स जंप टू द फर्स्ट टॉपिक विच इज हाउ टू रीच एंडमैन। एंडमैन आप बेसिकली फ्लाइट से जा सकते हैं एंड अगर आप देखें तो सेवरल सिटीज से डायरेक्ट फ्लाइट्स आपको मिल जाएंगी, नहीं तो कुछ हॉप्स के साथ मिल जाएंगी वाया चेन्नई। मैंने ली थी फ्लाइट बैंगलोर से तो मुझे डायरेक्टली पहुंचा दिया था एंड इट कॉस्टेड अस अराउंड 11,000 रुपीज रिटर्न फ्लाइट, सो इट वॉज क्वाइट डिसेंट। अगर आप एक या दो महीने एडवांस में बुक कर रहे हैं सो आप इस रेंज में ईजिली एंडमैन की फ्लाइट ले सकते हैं। Now let's jump to the next question which is best time to visit Andaman. Andaman आने का best time है November to February due to good and pleasant weather. But अगर आप scuba and marine life को enjoy करना चाहते हैं तो Feb to April और May भी काफ़ी अच्छा time है because इस time पे water बहुत clear होता है, बहुत ही crystal clear colors आते हैं and अगर आप scuba and snorkeling करना चाह रहे हो तो that is the best time क्योंकि उसके बाद आपका बारिश शुरू हो जाएगा and उसके बाद water थोड़ा muddy हो जाता है for a certain duration. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप एंडमैन की आइटनरी डिसाइड कर रहे हैं तो आई टेल यू कि आप तीन जगह तो स्पेसिफिकली ज़रूर विजिट करना। फर्स्ट पोर्ट ब्लेयर आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि वहीं पे आपका प्लेन लैंड करेगा एंड आप पोर्ट ब्लेयर को मिनिमम एक दिन से दो दिन दे सकते हो बिकॉज जिस दिन आप फ्लाइट से लैंड करोगे उस दिन आपके पास बहुत कम टाइम होगा तो उसमें आप चिड़िया टापू जा सकते हो सनसेट देखने एंड अगर आप सेलुलर जेल के लिए आपके पास टाइम है तो वो भी कवर कर सकते हो। नेक्स्ट डे आप टारगेट कर सकते हो रॉस आइलैंड के लिए, नॉर्थ बे आइलैंड को भी इंक्लूड कर सकते हो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर वाटर एक्टिविटीज़, बट आई विल सजेस्ट वाटर एक्टिविटीज़ आपको बेटर नील एंड हैवलॉक में मिल जाएगी सो यू कैन स्किप दैट पार्ट इफ़ यू वॉन्ट। पोर्ट ब्लेयर से आप आओगे हैवलॉक में एंड हैवलॉक में आपको मिनिमम दो दिन तो देने ही पड़ेंगे बिकॉज आपको जिस दिन आपकी फेरी आ रही है उस दिन आप सनसेट देख सकते हो किसी भी बीच पर जाके एंड सनसेट के लिए बेस्ट बीच है राधानगर बीच एंड सनराइज के लिए बेस्ट है काला पत्थर बीच एंड मिडिल का जो टाइम है उसमें आप एलिफेंट बीच पर जाके ट्रैक कर सकते हो या फिर फेरी से भी जा सकते हो फॉर वाटर एक्टिविटीज़ एंड स्कूबा भी कर सकते हो हैवलॉक में। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू बट मिनिमम दो दिन तो आपको चाहिए होगा हैवलॉक एक्सप्लोर करने के लिए। तो नील में भी आपको मिनिमम दो दिन चाहिए होगा टू एक्सप्लोर द बीचेस, बट अगर आप स्कूबा कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक दिन और एक्स्ट्रा चाहिए होगा। वैसे मॉर्निंग स्लॉट में हमेशा स्कूबा बेस्ट रहती है अगर आप सुबह 6 बजे या 9 बजे में कर रहे हो, सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू बट मिनिमम अगर आप पूरी आइटनरी देखो तो 6 डेज आपको चाहिए होंगे टू एक्सप्लोर एंडमैन, बट दैट विल बी वेरी कट टू कट लाइक 2 दिन पोर्ट ब्लेयर 2 दिन हैवलॉक 2 दिन नील एंड आपको रश में कवर करना पड़ेगा मिनिमम। मैक्सिमम आप एक एक दिन और ऐड कर सकते हो स्पेशली हैवलॉक एंड नील में एंड यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज ट्रांसपोर्टेशन। सो बेसिकली यहाँ पर आपका मेजर ट्रांसपोर्टेशन जो विद इन आइलैंड होगा दैट विल बी वाया फेरीज एंड फेरीज में भी आपको 2 तरह की फेरीज मिलेंगी, गवर्नमेंट फेरीज एंड प्राइवेट फेरीज। सो दोनों में डिफरेंस ये है कि प्राइवेट आपकी मोर कंफर्टेबल होगी, आप एक दिन पहले या ऑन द स्पॉट भी बुक कर सकते हो, बट गवर्नमेंट फेरीज को आपको थोड़ा एडवांस में बुक करना पड़ेगा एंड इजिली आपको इसकी टिकट्स नहीं मिलती एंड बट गवर्नमेंट फेरीज की बेस्ट पार्ट है कि ओपन डेक होता है, यू कैन एंजॉय इट लाइक थरली। बट अगर आप ऑन दी अदर हैंड एक बहुत ही कंफर्टेबल एयर कंडीशन यू नो अगर आप अंदर बैठना चाहते हैं एंड यू वॉन्ट टू जस्ट रिलैक्स, उसके लिए आई सजेस्ट कि प्राइवेट फेरीज भी बहुत अच्छी थी लाइक वी चोज मैक्रोज बहुत सारे एंटरटेनमेंट सोर्सेज के साथ सो वी नेवर रियलाइज दैट वी आर इन टू अ फेरी फॉर लाइक अराउंड 2 आवर्स सो इट वॉज अ स्मूथ जर्नी। सो ये दोनों आपकी प्रेफरेंस होगी अगर आप प्राइवेट लेना चाहते हैं या आप गवर्नमेंट लेना चाहते हैं। बेसिकली दोनों की फेरी पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं, मैक्रोज हड्डो से चलती है और अगर आप फीनिक्स बे देखोगे वहाँ से आपकी सारी गवर्नमेंट फेरीज चलती है तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। प्राइजेस भी बहुत वैरी करते हैं, गवर्नमेंट फेरीज जहाँ आपको 500 to 1000 की रेंज पे मिल जाएंगी, प्राइवेट फेरीज आपको अराउंड 1500 प्लस पड़ेगी आप किसी पे भी जाते हो। फेरीज के बाद बात करते हैं हम कि हम विद इन आइलैंड कैसे डिस्कवर करें। सो विद इन आइलैंड आपके पास 2 से 3 ऑप्शन होंगे लाइक पोर्ट ब्लेयर में सरप्राइजिंगली जो बस सर्विसेज थी बहुत अमेजिंग थी, जैसे हम लोग चिड़िया टापू के पास रुके थे एंड जब भी हमें ऊपर टूवर्ड्स सेलुलर जेल जाना था या रॉस आइलैंड जाना था डायरेक्ट AC बसेस थी एंड बहुत ही कन्वीनियंट थी सो वी चोज दिस। आप कैब भी कर सकते हो, आप स्कूटी भी रेंट कर सकते हो, स्कूटी रेंट डिपेंड करेगा रेंज में बिकॉज अगर आप मार्केट की तरफ हो आपको 500 में भी मिल जाएगा पर डे, बट अगर आप थोड़े से इधर उधर एरियाज पे रह रहे हो थोड़ा दूर तो 700 to 800 रुपीज आपको पर डे कॉस्ट देना पड़ेगा फॉर स्कूटी। सो ये पूरे चार्जेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर टू स्टे इन हैवलॉक। सो बेसिकली हैवलॉक में हमने 2 टाइप की प्रॉपर्टीज डिस्कवर की थी।
फर्स्ट प्रॉपर्टी थी आउटबैक रिजॉर्ट जो बिल्कुल यू नो मेन एरिया में था हैवलॉक के आसपास. सारे कैफेज थे बहुत ही हैपनिंग रीजनेबल रेट में. अगर आप वर्क फ्रॉम होम के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आ रहे हैं दैट इज़ द बेस्ट प्लेस. एंड गोविंद नगर भी जस्ट लाइक वॉकिंग डिस्टेंस पे अराउंड 100 meters पे है. सो वो बहुत ही अमेजिंग है आउटबैक में अगर आप रुक रहे हो. अगर आप एक बहुत डिफरेंट रिक्रिएशनल रिट्रीट जंगल रिजॉर्ट टाइप ढूंढ रहे हो जिसमें आपको बिल्कुल डिफरेंट जोन में आ जाओगे, I'll suggest you can go to Flying Elephant. We chose that place and because वो काला पत्थर के पास में था and बहुत ही amazing था and I'll definitely recommend that. Minimum एक दिन तो आप ज़रूर Flying Elephant को दे. That's a different kind of experience. And disclaimer, no AC, no heater and no warm water every time. Like Port Blair में we stayed in a property called Adfusaha Resort and this is one of the ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी आई हैव स्टेड टिल डेट. सबसे पहली चीज अद्वसा के पास प्राइवेट बीच था. द लोकेशन वॉज अमेजिंग एंड द होल सराउंडिंग द रूम इट वॉज लुकिंग लाइक अ प्राइवेट वुडन विला अलॉटेड टू अस. सो बहुत ही लग्जूरियस बट बहुत ज़्यादा रीजनेबल है कंपेरेटिवली. अगर आप बाकी जगहों के कॉस्ट देखो तो आई सजेस्ट यू शुड डेफिनेटली स्टे इन अद्वसा रिजॉर्ट. दैट इज द मस्ट 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 थिंग. नील आइलैंड में वी स्टेड इन रीफ वैली रिजॉर्ट विच वॉज अगेन द मेन डेस्टिनेशन. आपकी जेटी पॉइंट से थोड़ा ही दूर था वो, लाइक अराउंड 2 kilometers के आसपास, क्योंकि नील आइलैंड बहुत छोटा है तो आपको ट्रैवल करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा उसमें. एंड बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी थी, बहुत स्पेशियस रूम्स थे एंड ब्रेकफास्ट से लेकर सारा खाना हमें बहुत ही डिसेंट लगा. एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड यू शुड स्टे इन रीफ वैली रिजॉर्ट इफ यू आर कमिंग टू नील आइलैंड. थर्ड थिंग इज पोर्ट ब्लेयर में वेयर टू ईट. कैफेज के नाम पर यहाँ पे ब्लू बीन्स एंड स्टार्क कैफे आपको डिसेंट लगेंगे खाने के लिए. अन्नपूर्णा वॉज गुड. अदरवाइज हम अद्वसा में रुके थे तो वहाँ का खाना बहुत ही अमेजिंग था. वेयर टू ईट एंड हैवलॉक. सो बेसिकली हैवलॉक में बहुत ही अमेजिंग कैफेज हमें दिखे थे. फर्स्ट इज बोनोवा, दैट्स एन अमेजिंग अमेजिंग प्लेस. सेकेंड इज समथिंग डिफरेंट कैफे, बहुत ही अमेजिंग था. इसकी वाइब ओवरऑल बहुत ही लाइक वी फेल्ट लाइक वी आर इन टू सिटी बट आसपास बीचेस थे एंड बहुत ही अच्छा लोकेशन एंड एम्बियंस था. थर्ड इज वेनम बार एंड रेस्टोरेंट, जहाँ पे बेसिकली अगर आप वेज अच्छा फूड खाना चाहते हो बहुत ही यम्मी सा, सो दैट इज़ योर प्लेस. बहुत ही अच्छा खाना हमने खाया था, लाइक इट वॉज फुलफिलिंग एंड वहाँ पे भी आपको डिसेंट वाइब्स मिल जाएगी. एंड लास्ट वन इज फुल मून कैफे जो हैवलॉक एंड नील दोनों में हमें मिला था एंड इट वॉज एन अमेजिंग प्लेस. तो यू शुडंट मिस दिस प्लेस इफ यू आर इन हैवलॉक. दूसरी चीज़, अगर आपको वेजिटेरियन बहुत ही रीजनेबल एंड अच्छा खाना खाना है, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट, दैट वॉज अ लाइक अ गुड फाइंड ओवर देयर. Let's jump to the last section of this video, which is Andaman total budget. So, सबसे पहले I'll start with the flights. Flights अगर आप timely book कर रहे हो 10 to 12k में you will definitely find a return flight from Andaman. Second is your ferry. तो ferry I'll say on an average if you take 1500 rupees and minimum आपको 3 rides तो करनी पड़ेगी from Port Blair to Havelock, Havelock to Neel and Neel to Port Blair. On an average 1500 लो तो 4500 में your ferries will be done. Third is if you are renting a scooty, तो पर डे अगर आप 700 या 800 rupees एवरेज ले रहे हो, तो अगर आप 7 या 6 days के लिए स्कूटी ले रहे हो तो ऑन एन एवरेज आपको ये पड़ जाएगा 4200 rupees का स्कूटी फेयर. देन अगर आप टैक्सीज कर रहे हो तो पर डे इसका किलोमीटर वाइज रेट होता है तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है. बट ऑन एन एवरेज अगर आप गाड़ी लेते हो इन हैवलॉक और नील, मिनिमम आपको 2000 rupees लगेगा मिनिमम फॉर सर्टेन बीचेस. सो दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट कि आप कितने दिन लेने वाले हो. स्टेज की बात करें तो ऑन एन एवरेज आपको 2.5 to 4k की रेंज में आपको बहुत डिसेंट रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे. आई से जिन जिन रिजॉर्ट्स में मैं रुकी थी दिस वॉज इन द सेम रेंज, तो आप इन रिजॉर्ट्स पर नाइट के हिसाब से चार्जेस ऐड कर सकते हो फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक और नील. अब चलते हैं नेक्स्ट आइटम पे विच इज फूड. फूड ऑन एन एवरेज पर पर्सन अगर आप 3 meals का ऑन एन एवरेज 300 to 400 के आसपास लो तो मे बी 1000 to 1500 rupees पर डे आपका लग जाएगा. इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो. एंड लास्ट इज द वाटर एक्टिविटीज विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग. सबसे पहले अगर आप स्कूबा कर रहे हो फ्रॉम डाइव इंडिया सो यू एक्चुअली 5000 पड़ेगा आपको. बहुत सारे डिफरेंट और एजेंट्स भी है जिनके थ्रू आप डाइव्स ले सकते हो, बट आप मेक श्योर दैट इट इज पाली सर्टिफाइड एंड मिनिमम 4k देना पड़ेगा फॉर 2 dives. एंड देन 4k से आपका रेंज शुरू हो जाएगा, आपको कितनी डाइव चाहिए, कितने दिन का कोर्स चाहिए. सो इट ऑल डिपेंड्स आपको अगर बिगनर डाइव करना है या आप कोर्स के लिए जा रहे हो. सो दैट इज़ फॉर स्कूबा. अगर आप बाकी वाटर एक्टिविटीज़ करते हो इट विल रेंज अराउंड 1500 मिनिमम टू 3 to 4000. एंड नेक्स्ट इज बेसिकली एंट्री चार्जेस, एंट्री फीस.
तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही लिमिटेड एरियाज पे आपको सेलुलर जेल के लिए और रॉस आइलैंड के लिए देना पड़ेगा, विच इज़ हार्डली 50 to 100 रुपीज़, सो बहुत ही कम अमाउंट है. बट ये सारे डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस है जो आपके पूरे एंडमैन ट्रिप पे लगेंगे. एंड अगर आप ओवरऑल करो तो मिनिमम 50K पर हेड आपका लगेगा ही लगेगा मिनिमम, अगर आप बहुत ही डिसेंट, नॉट रीजनेबल. अगर आप और सस्ते स्टेज पे जाते हो तो डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ेगा, बट फॉर एटलीस्ट 7 to 8 डेज दिस वॉज आर बजट एंड अकॉर्डिंगली यू कैन ऑल्सो डिवाइड. सो That's it from this video and let me know अगर आपको कोई और queries है regarding your Andaman travel guide. If I have missed anything, write me in the comment section. I'll definitely reply to your comments and I absolutely love those cheering and motivating comments from your end. So keep them coming. हम मिलते हैं अपने next video में, तब तक के लिए don't forget to like, share and subscribe and hit the bell icon. And तब तक के लिए take care.